नमस्कार, आप देख रहे हैं केएम टीवी और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। केंद्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन के अवसर पर नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में बांटी गई भोजन की 108 थालियां। किराड़ी में चोरी की वारदातों में हुई बढ़ोतरी, चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और गृह सचिव को भेजा समन। सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। IMA की देशव्यापी हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप। मृतक वकीलों को दी गई श्रद्धांजलि, कोर्ट खोलने की उठी मांगे। साकेत कोर्ट के 22 वकीलों की कोरोना के चलते हो गई थी मौत। मनीष सिसोदिया के घर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला, मदद करती रही पुलिस। जावड़ेकर बोले, जलवायु परिवर्तन में भारत का हिस्सा मात्र 3%। पश्चिम बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत अब भी नाजुक। महाराष्ट्र में रेप के दोषियों को मिलेगी सजाए मौत, उद्धव सरकार ने दी शक्ति एक्ट को मंजूरी। कोरोना का बड़ा असर, महाराष्ट्र में उपभोक्ताओं को बिजली का देना होगा औसत बिल। ऐसी सुर्खियों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आप बने रहिए KM TV के साथ। धन्यवाद।